नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडे हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि। इसके पहले मैंने बहुत सारे लेक्चर्स बनाए हुए हैं आलोचना के ऊपर, जिसमें से मेरा एक लेक्चर है हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उसको जाकर जरूर देखें। मेरा एक और लेक्चर है, तो आलोचना के ऊपर तो मेरा बहुत सीरीज है, 8-10 लेक्चर्स हैं उस पर। और एक लेक्चर मेरा और है जिसमें काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो निबंध है उसको भी छात्रों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो आप भी उन दोनों लेक्चर्स को जरूर देखें और उसका लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि। किसी भी परीक्षा के लिए यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कोई जितने बड़े बड़े आलोचक हुए हैं उनकी आलोचना दृष्टि क्या है, उनके आलोचना के मानदंड क्या हैं, उनके प्रतिमान क्या हैं। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी इस अवधारणा को भली भांति समझ पाएंगे। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना को बहुत सारे पारिभाषिक शब्द दिए हैं, आलोचनात्मक शब्द दिए हैं, जिनकी व्याख्या अपेक्षित होती है। और जो छात्र इन शब्दों को नहीं समझते, इसीलिए वे हिंदी आलोचना से दूर भागते हैं। तो चलिए आज हम समझने का प्रयास करेंगे। और मेरा वादा है कि अंत तक यदि आप इस लेक्चर को अटेंड कर लेते हैं तो आप निश्चित रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचना दृष्टि है, जो उनके आलोचना के मानदंड हैं, उनको समझने में सक्षम होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य में रहस्यवाद, रस मीमांसा, चिंतामणि इत्यादि। तो इनके कुछ प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। तो यहाँ जो सन लिखे हुए हैं, किस सन में प्रकाशित हुए, कई किताबों में अलग अलग मिलते हैं, लेकिन मैं मुख्य रूप से अवधारणा पर जोर दूंगा। तो यदि ये कोई सन डिफर करता है तो आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं। तो ये उनके प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा को, मतलब आलोचना को समीक्षा भी कहते हैं, आलोचना भी कहते हैं और समालोचना भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की समीक्षा को दो रूपों में देखा जा सकता है। पहला व्यवहारिक आलोचना और दूसरा है सैद्धांतिक आलोचना। व्यवहारिक आलोचना मतलब जब वे कृतियों की आलोचना करते हैं अपने मानदंडों के आधार पर, और सैद्धांतिक आलोचना क्या होता है, जिसमें वे आलोचना के मानदंड निर्धारित करते हैं कि किन पैमाने के आधार पर, किस मापदंड के आधार पर, किन नाम्स के आधार पर किसी कृति की समीक्षा होनी चाहिए। तो व्यवहारिक आलोचना वास्तव में जो उन्होंने आलोचना की है उसका प्रौढ़तम रूप, सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाई देता है तुलसी और जायसी ग्रंथावलियों की भूमिकाओं में, भ्रमर गीत सार की भूमिका में तथा हिंदी साहित्य का इतिहास में। हिंदी साहित्य का इतिहास भी उनके आलोचना ही ग्रंथ है जिसको हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। और इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो स्थापनाएं हैं बहुत ही श्रद्धा के साथ उन्हें याद किया जाता है और उन्हें परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो ये सब है सैद्धांतिक आलोचना, जिसके माध्यम से वे हिंदी आलोचना के सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, मापदंडों का निर्माण करते हैं, नाम्स का निर्माण करते हैं। उसकी सर्वश्रेष्ठ कृति है रस मीमांसा। आलोचना के इन दोनों रूपों के माध्यम से उन्होंने रस सिद्धांत की ही प्रतिष्ठा की है। तो चाहे उनकी सैद्धांतिक आलोचना हो, चाहे फिर उनकी समीक्षात्मक आलोचना हो, व्यवहारिक आलोचना हो या फिर सैद्धांतिक आलोचना हो, इन दोनों के माध्यम से उन्होंने जो रस सिद्धांत है भारतीय काव्य शास्त्र का, उसे ही प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया है। आचार्य मतलब इन्हें रसवादी आलोचक कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रस सिद्धांत की मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हुए उसे काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने यह विश्वास व्यक्त किया कि इस रस सिद्धांत के मानदंड, मतलब पैमाना या फिर नाम्स के आधार पर नई पुरानी सभी प्रकार की पूर्ण और उपयुक्त समीक्षा हो सकती है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान है हिंदी आलोचना का, वह है रस सिद्धांत को स्थापित करना। उन्होंने रस सिद्धांत की मनोवैज्ञानिक व्याख्या की और उन्होंने बताया कि रस सिद्धांत में वे सारी विशिष्टताएं निहित हैं जिनके माध्यम से हम चाहे पुराने काव्य का, जो हमारे पहले के जो हमें कवि ने कवियों ने जो काव्य लिखा हुआ है, अथवा अभी नए कवि जो काव्य लिख रहे हैं, रस सिद्धांत के आधार पर हम उनकी समीक्षा कर सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने रस को काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया और उसे स्थापित करने का प्रयास किया। इन सब के बावजूद भी शुक्ल जी समन्वयवादी आलोचक हैं। समन्वयवादी मतलब बहुत सारी चीजों का उन्होंने समन्वय किया है अपनी आलोचना में। विरुद्धों के सामंजस्य का सिद्धांत, जो कि तुलसी के रामचरितमानस के संबंध में प्रस्तुत किया गया है,
शुक्ल जी की अर्चना दृष्टि की भी व्याख्या करता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, पारिभाषिक शब्द है, विरुद्धों का सामंजस्य। तो विरुद्धों का सामंजस्य क्या है, मतलब जैसे हमारा जीवन है, जीवन में यदि सुख है तो दुख है ना, प्रेम है, संयोग है तो विरह भी है। इसी प्रकार ये हमारा जो जीवन है, विरुद्धों का सामंजस्य है। जैसे प्रकृति में भी मौसम एक जैसा नहीं रहता, गर्मी है तो ठंडी भी आएगी, वैसे जैसे भगवान राम का जो व्यक्तित्व है, उसमें जहां जो रावण है उसके प्रति क्रोध है, घृणा का भाव है, लेकिन आम लोगों के प्रति प्रेम की भी भावना है, चाहे दाम्पत्य प्रेम की भावना है, चाहे प्रजावत्सलता हो, तो उसमें प्रेम की भी भावना है। दोनों प्रकार की भावनाओं का सामंजस्य है, इसे कहा जाता है विरुद्धों का सामंजस्य। जैसे इसमें एक आदर्श चरित्र के रूप में भरत का चरित्र चित्रण किया गया है रामचरितमानस में। तो एक तरफ अपने प्रिय भाई के प्रति उनके मन में अगाध प्रेम है, श्रद्धा का भाव है, लेकिन जिस जन्म देने वाली माँ ने, जिसने यह प्रयास किया कि भरत को राजगद्दी मिले, कहीं ने यह प्रयास किया कि मेरे बेटे भरत को राजगद्दी मिले, लेकिन अपनी माँ के प्रति भी उन्होंने बहुत ही कटु स्वर में उनकी भर्त्सना किया, उन्होंने मतलब माँ के प्रति उन्होंने बहुत ही क्रोध व्यक्त किया है, जबकि बहुत ही धीर गंभीर और शांत प्रकृति के व्यक्ति हैं भरत। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि भरत के जो चरित्र में एक तरफ प्रेम भी है, वहीं अपनी माँ के प्रति यहाँ पर एक कटुता और कड़वाहट की भावना भी है। तो दो विरोधी भावनाओं का यहाँ पर चित्रण किया गया है, इसे कहा जाता है सामंजस्य का सिद्धांत। मतलब हमारे जीवन में यदि दिन है तो रात है, खुशी है तो दुख है, तो इन सभी चीजों को बोला जाता है विरुद्धों के सामंजस्य का सिद्धांत, और यह हर व्यक्ति में होता है। तो यह तुलसी के रामचरितमानस का संबंध में उन्होंने इसकी व्याख्या की है। शुक्ल जी की आलोचना दृष्टि की भी यह व्याख्या करता है। इस प्रकार शुक्ल जी की जो आलोचना दृष्टि है, इसमें भी हम विरुद्धों का सामंजस्य देख सकते हैं। जहां इन्होंने पाश्चात्य काव्य शास्त्र को भी हिंदी समीक्षा तक लेकर आए, वहीं इन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र को भी बराबर सम्मान दिया, और दो विरोधी जो तत्व हैं, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, दोनों का ही, दोनों विरुद्धों का सामंजस्य करने का उन्होंने प्रयास किया। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आप लोगों को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है। इसी प्रकार उन्होंने सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचना दोनों ही क्षेत्रों में रुचि दिखाई। तो इस प्रकार उन्होंने सैद्धांतिक आलोचना हो चाहे व्यवहारिक आलोचना हो, दोनों क्षेत्रों में उन्होंने पर्याप्त योगदान दिया है। चिंतामणि के निबंध, विशेषकर चिंतामणि उनके निबंधों का संग्रह है जो तीन चार भागों में है, चार भागों में, तो इसे आप जरूर पढ़ें। हाँ, भले उनकी भाषा बहुत कठिन है, लेकिन आपको पढ़कर बहुत अच्छा लगे। तो चिंतामणि का जो निबंध है, उसमें विशेषकर उनकी जो निबंध, उनका जो निबंध है बहुत ही प्रसिद्ध, कविता क्या है, कविता को परिभाषित करने का प्रयास किया है, काव्य में रहस्यवाद क्या है, रस मीमांसा, और रस मीमांसा नाम की जो कृति है उसमें उनके सैद्धांतिक आलोचना के मानदंडों की व्याख्या मिलती है। तो उनके जो आलोचना के जो मानदंड है, जो आलोचना के जो नॉर्म्स हैं, जो पैमाने हैं, उनको यदि समझना है तो इन निबंधों को आपको पढ़ना जरूरी है। अब लोक मंगल, ये कुछ पारिभाषिक शब्द हैं और धारणात्मक शब्द हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी आलोचना को दिया है, और इन शब्दों के कारण उन्हें हम आज बहुत ही श्रद्धा के साथ स्मरण करते हैं, और उन्हें आज भी हिंदी का सर्वश्रेष्ठ आलोचक के रूप में स्वीकार किया जाता है विद्वानों के द्वारा। लोक मंगल मतलब लोगों का कल्याण, जन कल्याण, जिसमें विश्व बंधुत्व की भावना होती है, उसे कहते हैं लोक मंगल। रस दशा, जिसे हम साधारणीकरण की दशा कहते हैं, जैसे किसी कृति को पढ़ते समय हम उसमें जो कोई पात्र आए हुए हैं उसकी भावनाओं के साथ हमारे हम तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं। मतलब जब हम किसी कवि की भावना के साथ, कवि यदि हर्ष या उल्लास की अभिव्यक्ति करता है तो हमको भी हर्ष और खुशी का मतलब महसूस होता है, या फिर कवि यदि दुखी है तो हम भी उसके साथ दुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार किसी नाटक को देखते समय कि नाटक का जो पात्र है यदि वह खुश हो जाता है तो हम भी खुश होते हैं उसके साथ, और यदि वह दुखी होता तो हम भी उसके साथ दुखी हो जाते हैं। हृदय की मुक्तावस्था, रस दशा में एक और चीज है, जैसे कि माता यशोदा का कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य भाव है, भगवान कृष्ण बहुत छोटे से बच्चे हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप हैं, उनकी गतिविधियां हैं, उनको देखकर माता यशोदा बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होती है, तो उनके मन में वात्सल्य का जो भाव उमड़ता है। तो सूरदास के इन पदों को पढ़ते समय जो पाठक है अथवा इनको सुनते समय जो श्रोता है उसके मन में भी बाल कृष्ण के प्रति वात्सल्य की भावना उमड़ कर आती है। तो वास्तव में भगवान कृष्ण जो है वो हमारे लिए भगवान नहीं है, बल्कि हमारे बच्चे के समान हो जाते हैं, इसे कहते हैं रसदशा। हृदय की मुक्तावस्था से तात्पर्य है, जब हमारे मन में लोगों के प्रति एक समान का भावना रहता है, हम लोगों को जैसे दुनिया में जितने भी दुखी व्यक्ति हैं उनके दुख को देखकर सुनकर हमको बहुत ही दुख लगता है, यदि वह खुश हैं तो उनके साथ हम खुशी हो जाते हैं, इसे कहते हैं हृदय की मुक्तावस्था।
तो जब हमारा हृदय अपने पराये की भावना से मुक्त हो जाता है, दूसरों के दुख से हम दुखी हो जाते हैं, दूसरों की खुशी से हम खुशी हो जाते हैं, इसे कहा जाता है हृदय की मुक्त अवस्था। विरुद्धों का सामंजस्य मैं बता चुका हूं कि हमारे जीवन में यदि सुख है तो दुख है, हर समय हमारे मन में प्रेम भाव नहीं रहता, कभी कभी हम क्रुद्ध भी हो जाते हैं, क्रोधित भी हो जाते हैं, इसे कहा जाता है विरुद्धों का सामंजस्य। लोक मंगल की साधना अवस्था, इसको मैं आगे अभी स्पष्ट करूंगा कि लोक मंगल की साधना अवस्था क्या है और लोक मंगल की सिद्धावस्था क्या है, आगे हम पढ़ेंगे इसको, अभी मैं यहाँ पर उनकी व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। आदि उनके द्वारा विकसित मुहावरे हैं, जो शब्द हैं या वाक्य हैं, जो सैद्धांतिक आलोचना के संदर्भ में उनके द्वारा विकसित मानदंडों का संकेत करते हैं। तो वे कुछ ऐसे शब्द हैं या फिर कुछ ऐसे वाक्यांश हैं जिनके आधार पर वे कृतियों का मूल्यांकन करते हैं, उनकी समीक्षा करते हैं। शुक्ल जी की सैद्धांतिक आलोचना के मानदंडों का विकास रामचरितमानस में अभिव्यक्त तुलसी की सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में हुआ है, या यदि आचार्य शुक्ल की शक्ति है तो उनकी सीमा भी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो रामचरितमानस है उनमें तुलसीदास जी के जो सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण है उसी के आधार पर ही इन्होंने अपने आलोचनात्मक मानदंडों का निर्माण किया है। तो यह उनकी खूबी भी है, इनकी शक्ति भी है, और यही इनकी सीमा भी है, यही इनकी कमी भी है, क्योंकि उनके हिसाब से तुलसीदास हिंदुस्तान के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, उनसे बड़ा कोई कवि नहीं है। तो यह उनकी सीमा भी है और उनकी शक्ति भी है, और इसी कारण वे अन्य कवियों के साथ न्याय नहीं कर पाए हैं। आलोचक शुक्ल की समन्वयवादी चेतना का दायरा यहीं तक सीमित नहीं होता नहीं है, उन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र और पश्चिमी काव्यशास्त्र को भी एक दूसरे से संबद्ध करते हुए आलोचना को समृद्ध कर दिया। तो ये खाली इन्होंने रस सिद्धांत की पुष्टि नहीं की, रस सिद्धांत को इन्होंने स्थापित नहीं किया, बल्कि भारतीय काव्यशास्त्र और पश्चिमी काव्यशास्त्र दोनों को मिलाकर अपनी एक नई आलोचना दृष्टि का निर्माण किया, और इस प्रकार उन्होंने हिंदी आलोचना को समृद्ध किया। शुक्ल जी कविता को भाव योग मानते हैं और उसे ज्ञान योग और कर्म योग के समकक्ष स्थान देते हैं। जैसे कि हम गीता में पढ़ते हैं भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग, वैसे इन्होंने भाव कविता को भाव योग कहा है, मतलब इमोशनल योग, मतलब तो पता है आपको योग। तो ज्ञान योग का संबंध ज्ञान से होता है, जिसमें ज्ञान को महत्व दिया जाता है, और कर्म योग में कर्म को स्थान दिया जाता है। इसी प्रकार उन्होंने कविता में भावना को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है, ज्ञान योग और कर्म योग के बराबर उसे लाकर खड़ा कर दिया है। वे कविता का संबंध ईश्वर की अव्यक्त सत्ता के बजाय उसकी व्यक्त सत्ता से लेकर जाकर जोड़ते हैं। तो जो रहस्यवाद है, जो हिंदी काव्य में जो रहस्यवाद है या फिर अंग्रेजी में जो रोमांटिसिज्म है, उसका संबंध किससे होता है? ईश्वर की अव्यक्त सत्ता, अमूर्त सत्ता, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे महसूस नहीं कर सकते। तो वे इनका कहना है कि कविता का संबंध ईश्वर की अव्यक्त सत्ता से नहीं है, बल्कि व्यक्त सत्ता से है, जो मूर्त रूप में हमारे सामने है, जिसे हम दुनिया के रूप में देखते हैं। मतलब दुनिया के जो प्राणी है, जो हमारी प्रकृति है, वह क्या है? ईश्वर की व्यक्त सत्ता है, क्योंकि यह उन्हीं की कृति है। कविता का सौंदर्य उनकी दृष्टि में उसकी जीवन जगत सापेक्षता में है। मतलब किसी कविता का संबंध क्या है? यदि कविता का संबंध हमारे इस पार्थिव जगत से, हमारी प्रकृति से है, लोगों से है, जनसाधारण से है, मतलब यदि कविता जीवन के सापेक्ष है, जिसमें जीवन से, यथार्थ जीवन से ली गई घटनाओं का उल्लेख है, यथार्थ जीवन के जो प्राणी हैं, जो पशु पक्षी हैं, उनका उसमें वर्णन किया गया है, यही कविता का सौंदर्य है। आचार्य शुक्ल ऐसा मानते हैं। आचार्य शुक्ल पारंपरिक रसवादी धारा से प्रभावित होकर रस को काव्य की आत्मा मानते हैं, लेकिन रस की आनंदवादी व्याख्या की ओर संकेत करते हुए वे कहते हैं कि इसने साहित्य को नाच तमाशे की चीज बना दिया है, जिससे साहित्य की गंभीरता आहत हुई। तो भले ही उन्होंने जो रस सिद्धांत है उसे भारतीय प्राचीन काव्य शास्त्र से उन्होंने ग्रहण किया है, लेकिन उनका मानना है कि कविता का उद्देश्य या काव्य का उद्देश्य अथवा साहित्य का उद्देश्य केवल हमें रस प्रदान करना, रस की अनुभूति कराना, आनंद की अनुभूति कराना, सिर्फ इतना ही नहीं है। मतलब कविता का उद्देश्य केवल हमें आनंद प्रदान करना, रस प्रदान करना ही नहीं है। और यही लोगों ने सिर्फ कविता को यह मान लिया कि कविता का उद्देश्य क्या है, हमको रस मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए सुनकर या पढ़कर, और इसके कारण क्या हो गया, कविता नाच तमाशे की चीज बन गई। मतलब इसकी वैल्यू इन्होंने ऐसा कहकर खत्म कर दिया, इससे साहित्य में जो गंभीरता होती थी वो खत्म हो गई। तो उनका क्या कहना है, शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंधों की रक्षा और निर्वाह का नाम ही कविता है। इसके जरिए वे कविता का उद्देश्य लोक मंगल को मानते हैं और उसे मानवतावाद के धरातल पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं। यहाँ रागात्मक मतलब होता है प्रेम, प्रेममय। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह मानना है कि कविता का उद्देश्य अथवा साहित्य का उद्देश्य केवल हमें आनंद प्रदान करना, हमें रस की अनुभूति कराना ही नहीं है, बल्कि
काव्य के माध्यम से लोगों का कल्याण होना चाहिए, उनका उत्थान होना चाहिए और इसके जरिए जो मनुष्य और सृष्टि के साथ कविता का तादाद में स्थापित किया जाना चाहिए, तो यही लोक मंगल लोक उद्देश्य यह कविता का ज्यादा बड़ा उद्देश्य है। और इस प्रकार कविता को है मानवतावाद। अभी मानवतावाद क्या है? मानवता या मतलब जो दुनिया में रहने वाले जो लोग हैं, जो मनुष्य है, उसका कल्याण, उसकी उन्नति, उनके सुख, इसे कहा जाता है मानवतावाद। इस धरातल पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं। रागात्मक मतलब होता है प्रेममय। उनका आगे भी कहते हैं उन्हीं के संबंध में, कविता हमें स्व के संकुचित दायरे से बाहर निकालकर मानवीयता की उच्च भूमि पर जाकर स्थित कर देती है, जहां पर हमारे लिए अपने सुख और दुख का महत्व तो नहीं रह जाता, वरन हम दूसरे के दुख से दुखी और दूसरे के सुख से सुखी होने लगते हैं। तो कविता क्या करती है? कविता हमारे मन में ऐसे उदात्त मूल्यों को स्थापित कर देती है, जीवंत कर देती है, जागृत कर देती है, जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे मन में जो स्वार्थ की जो भावना होती है वह समाप्त हो जाती है। और जब हम अपने स्वार्थ की भावना से ऊपर उठ जाते हैं, तब हम दूसरे के दुख से दुखी होते हैं और दूसरे के सुख से सुखी होते हैं। तो यह कविता का उद्देश्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे पुनः परिभाषित करते हुए कहते हैं, इसे यही हृदय की मुक्तावस्था है। तो हृदय की मुक्तावस्था क्या है? दूसरों के दुख से दुखी होना, दूसरों के सुख से सुखी होना और अपने स्वार्थ से ऊपर उठना। इसे रस सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में रस दशा भी कहा जाता है और रस सिद्धांत के अनुसार यही रस दशा है, यही साधारणीकरण है कि जब दूसरों की अनुभूतियों को हम अपनी अनुभूतियां बना लेते हैं या फिर किसी कवि की अनुभूति हमको अपनी अनुभूति प्रतीत होती है, तब यही रस दशा है और यही साधारणीकरण है। आशा यह है कि रस सृष्टि तब तक संभव नहीं है जब तक पाठक के भावों का रचनाकार के भावों से तादात्म्यकरण ना हो। इसका मतलब क्या है? हमारे मन में रस की सृष्टि तब तक नहीं हो सकती, किसी काव्य को पढ़कर हमारे मन में या फिर सुनकर हमारे मन में रस की अनुभूति तब तक नहीं हो सकती यदि कवि की अनुभूतियां और हमारी अनुभूतियों के साथ तादात्म्य स्थापित ना हो, हारमनी ना हो, सामंजस्य ना हो। मतलब जब हम कवि की अनुभूति के स्तर पर अपनी अनुभूति को लेकर चले जाते हैं, तो कवि की अनुभूति जब हमको अपनी अनुभूति महसूस होती है, तब यही साधारणीकरण होता है और तभी हमको रस की अनुभूति होती है। मतलब जबकि कवि की अनुभूतियां हमको हमारी अनुभूतियां प्रतीत होने लगती है कि अरे कवि ने तो मेरे मन की भावनाओं को व्यक्त कर दिया, तो यह क्या हो जाता है? इसे हम साधारणीकरण कहते हैं और तभी रस की सृष्टि होती है। कविता हमें साधारणीकरण की इसी मन स्थिति के लिए तैयार करती है। स्पष्ट है कि कविता का प्रयोजन व्यक्ति को हृदय की मुक्तावस्था की ओर उन्मुख करने से संबंध है। तो कविता का प्रयोजन अथवा उद्देश्य क्या है? काव्य प्रयोजन जो आप पढ़ते हैं, जो भारतीय काव्य शास्त्र में आपने काव्य प्रयोजन पढ़ा होगा, मेरे वीडियोस में जाकर वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो काव्य का प्रयोजन अथवा उद्देश्य क्या है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? मतलब व्यक्ति के हृदय को मुक्तावस्था की ओर उन्मुक्त करना। और जब हमारा हृदय मुक्त हो जाता है, मुक्तावस्था की ओर अग्रसर हो जाता है, तब हमको रस दशा की प्राप्ति होती है। मुक्तावस्था वही है कि दूसरे के दुख से दुखी होना, दूसरे के खुशी से खुशी होना, आनंद तथा मंगल। तो आप इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ठीक है, आनंद प्रदान करना तो एक रस सिद्धांत की उन्होंने पुष्टि की है, उसको स्वीकार किया, रसवादी आचार्य माने जाते। इस प्रकार उन्हें आनंद को भी महत्व दिया है और मंगल को भी महत्व दिया है, लोक कल्याण को भी महत्व दिया है, क्योंकि वे समन्वयवादी आचार्य हैं। तो आनंद तथा मंगल की पृष्ठभूमि में आचार्य शुक्ल काव्य का वर्गीकरण उसके उद्देश्य के आधार पर दो रूपों में करते हैं। आनंद मतलब रस और मंगल मतलब लोक कल्याण, इन दोनों को ध्यान में रखकर उन्होंने काव्य का जो वर्गीकरण है दो रूपों में किया है। आनंद की साधनावस्था का काव्य जिसे कहते हैं प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले काव्य, और आनंद की सिद्धावस्था का काव्य मतलब उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले काव्य। तो आनंद की साधनावस्था का काव्य लोक कल्याण से संबंधित होता है। जैसे कि हम रामचरितमानस जब पढ़ते हैं तो भगवान राम ने राक्षस का वध कर दिया रावण का, उतने में उनका दायित्व तो समाप्त नहीं हो जाता। अब उनका कर्तव्य क्या है, प्रयत्न क्या है? राम राज्य की स्थापना करना, जहां लोगों में खुशी हो, खुशहाली हो, लोगों का कल्याण हो। तो यह इनका प्रयत्न करना पड़ेगा, इसके लिए कर्म करना पड़ेगा, इसे कहा जाता है आनंद की साधनावस्था का काव्य। तो रामचरितमानस है, महाभारत है, यह सब क्या है? आनंद की साधनावस्था के काव्य है। और आनंद के उपभोग पक्ष का काव्य क्या होता है? आनंद की सिद्धावस्था का काव्य। जैसे जब हम सूर सागर पढ़ते हैं या फिर हम गीत गोविंद पढ़ते हैं, मतलब जो जहां पर श्रृंगार है, खुशी है, उन्माद है, इसे कहते हैं आनंद की सिद्धावस्था का काव्य, प्रेम का काव्य। जहां पर सिर्फ खुशी है, उल्लास है, उमंग है, यहां पर कोई कर्तव्य बोध नहीं है, कोई कर्म करने की प्रेरणा नहीं है, कोई प्रयत्न का बोध नहीं है, तो आनंद की सिद्धावस्था के अंतर्गत वे काव्य आते हैं
जिसमें सिर्फ प्रेम है, उल्लास है, उमंग है, आनंद है, खुशी है। तो ये उपभोग पक्ष को लेकर चलने वाले हैं। अब आनंद की साधना अवस्था के काव्य में लोक मंगल का उदात्त उद्देश्य अभिष्ट होता है और इसीलिए आचार्य शुक्ल करुण को ऐसे साहित्य का बीजरस मानते हैं। यही आनंद है कि आनंद की साधना अवस्था का काव्य कर्म सौंदर्य की प्रतिष्ठा पर बल देता है। तो ये जो पहला प्रकार है, जो आनंद का, जो आनंद की साधना अवस्था का जो काव्य है वो कर्म करने की प्रेरणा देता है, प्रयत्न करने की प्रेरणा देता है। जैसे भगवान राम है, उनके मन में करुणा का भाव जागृत होता है। तो यह जो करुणा या दुख है, यह सिर्फ अपने दाम्पत्य प्रेम के कारण नहीं है, सिर्फ माता सीता की रक्षा का भाव उनके मन में नहीं है, बल्कि जो विभिन्न जो देवी देवता लोग हैं या फिर जो अन्य जो ऋषि मुनि है, जो रावण के आतंक से क्या है, बहुत ज्यादा प्रताड़ित है, पीड़ित है रावण से, तो उनके प्रति उनके मन में करुणा का भाव जागृत होता है और वो कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं कि वे राक्षस का वध किया जाए और लोगों को मुक्ति प्रदान की जाए और इसके बाद राम राज्य की स्थापना की जाए। तो यहाँ पर प्रयत्न और कर्म निहित है और यहाँ पर जो करुण रस है वह इसका मुख्य रस है। और इसे ही उन्होंने कहा है कि ऐसा काव्य आनंद की साधना अवस्था का काव्य है और यह कर्म की सौंदर्य की प्रतिष्ठा करता है। कर्म या काम या प्रयत्न का प्रतिष्ठा करता है, इसे हम कहते हैं आनंद की साधना अवस्था का काव्य। लेकिन इसके उल्टा आनंद की सिद्धावस्था का काव्य क्या है, तो वहां पर लोक कल्याण की भावना थी, लेकिन यहां पर क्या है, इससे भिन्न आनंद की सिद्धावस्था के काव्य में रचनाकार लोक मंगल के अभीष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के पश्चात लोकरंजन की ओर उन्मुक्त होता है। अब सिद्धावस्था के काव्य में क्या है, ठीक है रावण की मृत्यु हो गई, अब भगवान राम को कोई मतलब नहीं है यदि अपने उसमें अपने आनंद में निमग्न हो जाते, अब मुझे तो अपना आनंद मनाना है, मैंने रावण का वध कर दिया, मुझे कुछ मतलब नहीं है जनता से। तो यहां पर ऐसा नहीं, आनंद की सिद्धावस्था काव्य में क्या होता है, ठीक है उद्देश्य तो हमको प्राप्त हो गया, अब इसके बाद यहां पर सिर्फ आनंद है, उमंग है, उल्लास है, कोई कर्म नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं है। तो लोक रंजन मतलब लोगों को खुश रखना है, मतलब सभी लोग खुश रहे, और इसलिए ऐसे साहित्य का बीज रस प्रेम से संबंधित श्रृंगार होता है। ऐसे साहित्य में रूप सौंदर्य की प्रतिष्ठा होती है। तो यदि आप सरल शब्दों में समझें तो लोक रंजन के काव्य में जो काव्य का नायक है वह क्या है, लोगों का विश्वास हासिल करता है और उनका प्रेम हासिल करता है, और लोक रंजन का जो काव्य है वह प्रेम, उत्साह, खुशी और उल्लास का काव्य होता है। तो इस प्रकार उन्होंने आनंद की साधना अवस्था के काव्य को लोक मंगल का काव्य कहा है। और इसके उदाहरणों में रामायण, महाभारत, हमीर रासो, रामचरितमानस इत्यादि को स्थान दिया है। साधना अवस्था मतलब कर्म प्रयत्न, तो ये पहला भाग है। और दूसरा है आनंद की सिद्धावस्था के काव्य को उन्होंने लोक रंजन का काव्य कहा है, जिसको पढ़कर हमें आनंद, खुशी और उल्लास और उमंग की अनुभूति होती है, वह है लोक रंजन का काव्य। और इसके अंतर्गत उन्होंने आर्या सप्तशती, गाथा सप्तशती, गीत गोविंद, सूर्य सागर और रीतिकालीन काव्यों को इसके अंतर्गत शामिल किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसवाद की पृष्ठभूमि में ही काव्य रूपों की भी व्याख्या की है। उन्होंने काव्य रूपों की भी व्याख्या की रसवाद की पृष्ठभूमि में। उन्होंने मुक्तक की तुलना में प्रबंध को अधिक महत्व दिया क्योंकि उसमें जीवन के बहुविध आयामों का चित्रण होता है। तो काव्य के रूप आपने पढ़ा होगा प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं महाकाव्य और खंड काव्य। प्रबंध काव्य में किसी महान व्यक्ति के जीवन की गाथा का वर्णन होता है और यह सर्गबद्ध होता है, अलग अलग अध्यायों में विभक्त होता है और प्रत्येक अध्याय एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे महाभारत आप पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं या फिर कामायनी पढ़ते हैं, तो यह सारे सर्ग आपस में जुड़े होते हैं। तो यह प्रबंध काव्य हो गया। मुक्तक काव्य क्या होता है, मुक्तक काव्य में प्रत्येक पंक्ति दो दो पंक्ति होती है या फिर दस दस पंक्ति होती है, जितने भी पंक्ति हैं आपस में स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरी पंक्ति से उसका संबंध नहीं होता है, इसे कहा जाता है मुक्तक काव्य। तो जैसे बिहारी वगैरह लिखते हैं, कबीर वगैरह जो लिखते हैं ना, बिहारी और कबीर, तो ये मुक्तक काव्य की श्रेणी में आते हैं। प्रबंध काव्य में रामचरितमानस इत्यादि, महाभारत वगैरह आते हैं प्रबंध काव्य की श्रेणी में। मतलब प्रबंध काव्य बहुत बड़ा होता है, सर्गबद्ध होता है, अध्याय होते हैं इसमें और जितने भी अध्याय होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। मुक्तक में हर पंक्ति स्वतंत्र होती है, दो दो पंक्ति। तो प्रबंध, इन्होंने मुक्तक काव्य को उतना महत्व नहीं दिया, प्रबंध काव्य को अधिक महत्व दिया क्योंकि उसमें जीवन के जितने भी आयाम होते हैं वे सभी उसमें चित्रित होते हैं। इस कारण प्रबंध काव्य में कार्य कारण परंपरा में कथानक का विकास होता है। प्रबंध काव्य में कथा होती है किसी महान व्यक्ति के जीवन की, काल्पनिक या फिर ऐतिहासिक, और उसके आधार पर कथा का विकास होता है। और इसमें क्या है, रचनाकार के प्रति पास ज्यादा गुंजाइश होती है कुछ अच्छा करने की। तो जो रचना में अभिव्यक्त रचनाकार के मनोभावों के साथ पाठकों के तादात्म्यकरण की पृष्ठभूमि तैयार करता है, जिसके कारण रस की सृष्टि संभव होती है। इस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
मुक्तक काव्य की तुलना में प्रबंध काव्य को अधिक महत्व दिया है, क्योंकि प्रबंध काव्य में रचनाकार के पास मानवीय अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के ज्यादा अवसर होते हैं और रस की सृष्टि करने, रस के उत्पन्न करने के अधिक अवसर होते हैं, पर पाठकों के साथ हार्मनी उत्पन्न करने, तादात्म्य उत्पन्न करने की अधिक अवसर होते हैं। स्पष्ट है कि मुक्तक की तुलना में प्रबंध में रस सृष्टि के साथ साथ लोक मंगल के प्रभावी संदेश की कहीं अधिक संभावना है। तभी तो आचार्य शुक्ल प्रबंध को विस्तृत वनस्थली की संज्ञा देते हुए उसके प्रति अपना रुझान प्रदर्शित करते हैं। प्रबंध और मुक्तक के प्रति उनका यह पूर्वाग्रह उनके व्यावहारिक आलोचना की तटस्थता को खंडित करता है, जिसके कारण वे कबीर एवं बिहारी जैसे मुक्तक रचनाकारों के साथ न्याय नहीं कर पाते। तो उनका कहना है कि जो उनका कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ला का यह मानना है कि जो प्रबंध काव्य है इसके अंतर्गत लोगों के कल्याण करने की, लोक मंगल का संदेश देने की अधिक अवसर होता है, स्कोप होता है रचनाकार के पास, इसलिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए वे कहते हैं कि यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक काव्य चुना हुआ गुलदस्ता है। मतलब बहुत बड़ा जंगल है या फिर कोई बहुत बड़ा वन है जिसमें बहुत सारे क्या है फूल खिले हुए हैं, वो पूरे वन को देखना है तो वह प्रबंध काव्य है, पूरे जंगल को देखना है, पूरे बगीचे को देखना है तो प्रबंध काव्य है, और उसमें से कुछ फूल चुनकर हमें गुलदस्ता बना लेते हैं तो वह मुक्तक काव्य है। तो इसी प्रकार, इसी कारण वे कबीर और बिहारी के साथ न्याय नहीं कर पाते, क्योंकि इन्होंने कोई प्रबंध काव्य लिखा नहीं है, इन्होंने कोई महाकाव्य या खंड काव्य नहीं लिखा, तो छोटे छोटे दो दो पंक्तियां इन्होंने लिखी। तो इसी कारण वे कबीर और बिहारी को बहुत बड़ा कवि नहीं मानते और उन्होंने तुलसीदास को सर्वश्रेष्ठ कवि मानते हैं, तो इसके प्रति इन्होंने अन्याय कर दिया है। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना है, इसे आप समझने का प्रयास करिए। उनका यह पूर्वाग्रह तुलसी और सूर्य के संदर्भ में तुलना करते वक्त भी उभर कर सामने आता है, और इसी कारण वे तुलसीदास को भी सूर्य से ज्यादा बड़ा कवि कहते हैं। उनकी दृष्टि में तुलसी सूर्य से बड़े कवि हैं, क्योंकि तुलसी लोक मंगल की साधना अवस्था के कवि हैं, जबकि सूर्य लोक मंगल की सिद्धावस्था के। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि तुलसीदास जी का क्या है, लोक मंगल की साधना अवस्था के कवि हैं, प्रयत्न पक्ष के कवि हैं, प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले, और सूरदास क्या है, वे आनंद भाव को लेकर चलने वाले कवि हैं, आनंद उल्लास उमंग श्रृंगार भाव को लेकर चलने वाले, इसीलिए तुलसी ज्यादा बड़े कवि हैं, इनका मानना है। तुलसी का मनुष्य की संपूर्ण भावात्मक सत्ता पर अधिकार है, मतलब एक मनुष्य के जीवन में जितनी प्रकार की भावनाएं होती होंगी, जितने प्रकार की इमोशंस एंड फीलिंग्स होते हैं उन पर उनका अधिकार है, उसका उन्होंने बहुत ही अच्छा चित्रण किया है। भक्त होने के बावजूद उन्होंने लोक मंगल के भाव को नहीं छोड़ा है। तुलसीदास यद्यपि भक्त थे लेकिन इसके बावजूद भी उनका सारा रुझान लोक मंगल अथवा लोक कल्याण के प्रति है। साथ ही तुलसी का रुझान प्रबंध की ओर है जबकि सूर का मुक्तक की ओर। इसके साथ ही तुलसीदास जी ने प्रबंध काव्यों की रचना की है जबकि तुलसी सूरदास जी ने क्या किया है, मुक्तक काव्यों की रचना किया है। तुलसीदास प्रबंध काव्य, सूरदास मुक्तक काव्य। आचार्य शुक्ल की रस की लोक मंगलवादी व्याख्या उनके समन्वयवादी चेतना का प्रमाण है। उन्होंने आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से रस सिद्धांत को अपनाया है। इनका रस सिद्धांत इन्होंने कहां से लिया है, आचार्य विश्वनाथ से लिया है, उनके साहित्य दर्पण से। और उन्होंने रामचरितमानस में अभिव्यक्त तुलसी की सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि को आधार बनाकर उसे लोक मंगल से संबद्ध किया है। और फिर पाश्चात्य आलोचक आई ए रिचर्ड से प्रभाव ग्रहण करते हुए मनोविश्लेषण के सहारे रस की लोक मंगलवादी व्याख्या प्रस्तुत की। तो इनके समन्वयवादी चेतना में एक और उन्होंने आचार्य विश्वनाथ से साहित्य दर्पण ले लिया, रस सिद्धांत ले लिया, और रामचरितमानस से उन्होंने ले लिया तुलसी की सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि, और इन दोनों को मिलाकर उन्होंने लोक मंगल से संबद्ध कर दिया। और इसी प्रकार जो पाश्चात्य के आलोचक हुए आई ए रिचर्ड्स की आलोचना के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, इनसे भी ये प्रभावित होते हैं, इनसे प्रभाव ग्रहण करते हुए मनोविश्लेषण के माध्यम से उन्होंने रस की लोकमंगलवादी व्याख्या कर दी। तो इस प्रकार उन्होंने पाश्चात्य काव्यशास्त्र और भारतीय काव्यशास्त्र दोनों को मिलाकर उनका समन्वय कर दिया, इसलिए इन्हें कहा जाता है समन्वयवादी आचार्य। तो यद्यपि आचार्य शुक्ल और आई ए रिचर्ड्स दोनों ही साहित्येतर सिद्धांत मतलब जो मनोविश्लेषण का जो सिद्धांत है वो साहित्य का सिद्धांत नहीं है, मनोविश्लेषण का सिद्धांत एक अलग ही सिद्धांत है। तो इस सिद्धांत को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ला भी और आई ए रिचर्ड दोनों मिलकर दोनों ने मनोविश्लेषण के आधार पर साहित्य का मूल्यांकन किया है। लेकिन दोनों में क्या अंतर है, जहां रिचर्ड्स के यहाँ मनोविश्लेषण साध्य लक्ष्य बनकर आता है, मतलब जब आई ए रिचर्ड्स किसी कृति के मूल्यांकन करते हैं तो वे पूरी तरह से यह दिखाना चाहते हैं कि मनोविश्लेषणात्मक वैल्यू क्या है उसका, कि मनोविश्लेषण के आधार पर इस कृति का मूल्यांकन क्या है, और वे मनोवैज्ञानिक प्रतिमानों के आधार पर रचना का मूल्यांकन करते हैं, किसी कृति का मूल्यांकन करते हैं मनोविश्लेषण के आधार पर। फ्रायड, एडर और जुंग का जो मनोविश्लेषण का सिद्धांत है उसके आधार पर वे उनकी आलोचना करते हैं, वे पूरी तरह से डिपेंडेंट रहते हैं। जबकि आचार्य शुक्ल
जब मनोविश्लेषण के आधार पर किसी कृति की मूल्यांकन करते हैं तो सिर्फ उसे लोक मंगल के साध्य लक्ष्य का उपकरण या सहयोगी बना डालते हैं। तो वहां पर उनका लक्ष्य है, आईए रिचर्ड्स के पास जो मनोविश्लेषण क्या है वह उनका लक्ष्य है कि वहां तक पहुंचना है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसका थोड़ा सा हिस्सा ग्रहण करते हैं कि हम मनोविश्लेषण के आधार पर इस कृति की कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं। तो सिर्फ यह उनका सहयोगी है, एक उपकरण है। तो आचार्य शुक्ल के लिए क्या है, वह सहयोगी है, उपकरण है, और आईए रिचर्ड्स के लिए क्या है, वह उसका लक्ष्य है। आचार्य शुक्ल पर पश्चिमी बुद्धिवादी आलोचक मैथ्यू अर्नाल्ड का भी प्रभाव है। बुद्धिवादी मतलब जो भावना और कल्पना के स्थान पर बुद्धि को अधिक महत्व देते हैं। तो बुद्धिवादी आलोचक जो मैथ्यू अर्नाल्ड हुए, इनका भी प्रभाव है, जिन्होंने साहित्य को जीवन की आलोचना मानते हुए कहा कि साहित्य का सौंदर्य रूप का सौंदर्य नहीं वरन कर्म का सौंदर्य है। तुलसी ने राम के जरिए कर्म के इसी सौंदर्य की प्रतिष्ठा की है। इसे ही हम कहते हैं लोक मंगल की साधना अवस्था का काव्य। तो जिस प्रकार मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है कि साहित्य क्या है, जीवन की आलोचना है, साहित्य में जीवन का सौंदर्य परिलक्षित होना चाहिए। साहित्य में हमारे जो जीवन है, जो यथार्थ जीवन है, जो हमारा कर्म है, वह परिलक्षित होना चाहिए। तो इसी प्रकार तुलसीदास जी ने भगवान राम के जरिए कर्म के इसी सौंदर्य की प्रतिष्ठा की है। मतलब दोनों कर्म को महत्व देते हैं जीवन में, काव्य में। स्पष्ट है कि शुक्ल जी ने लोक मंगल को साहित्य का उद्देश्य घोषित कर साहित्य के सौंदर्य को कौर कर्म सौंदर्य से ले जाकर संबद्ध कर दिया। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य का उद्देश्य क्या बताया कि लोक मंगल है, साहित्य का उद्देश्य लोक मंगल है, और साहित्य का सौंदर्य किसमें निहित है, कर्म के सौंदर्य में निहित है। मतलब जो कर्म का सौंदर्य है वही साहित्य का सौंदर्य है, तो दोनों को संबंधित कर दिया है। तो इस क्रम में आचार्य शुक्ल यह याद दिलाना नहीं भूलते कि रस सिद्धांत को इतना व्यापक नहीं बनाया जा सकता कि उसमें कथा साहित्य भी आ जाए। तो कथा साहित्य को उन्होंने रस सिद्धांत से दूर रखा है। रस सिद्धांत को उनका मानना है कि कथा साहित्य में हम इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि एक सीमा के बाद बौद्धिकता को काव्य में स्थान दिया जाना भाव की सत्ता को आहत करेगा और ऐसा साहित्य रागात्मक प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकेगा। मतलब कविता में भी यदि हम ज्यादा बुद्धि को ज्यादा महत्व देने लगेंगे तो इससे क्या होगा, तो कविता में जो बुद्धि को यदि हम लॉजिक को ज्यादा स्थान देने लगेंगे, तर्क को बुद्धि को यदि हम कविता में अधिक स्थान देने लगेंगे, तो जो हमारी भावना है, जो भावना के महत्व को आहत करेगा, कम करेगा, और ऐसा साहित्य क्या है, हम ऐसा साहित्य हमको रागात्मक अनुभूति उत्पन्न नहीं कर पाएगा। मतलब प्रेम की अनुभूति, रस की अनुभूति हमको नहीं होगी यदि हम कविता को हम उस नजरिए से देखेंगे। जैसे जब हम फिल्म देखने जाते हैं तो वहां पर जैसे आप बाहुबली फिल्म देख रहे हैं, बाहुबली के डायरेक्टर ने बनाया एक से, उसमें उसका टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते बहुत सारी चीजें उन्होंने दिखाई हमको। यदि हमको लगेगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, यदि हम अपना तर्क और बुद्धि वहां पर लगाने लगेंगे तो हम उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे, रस की अनुभूति नहीं होगी। तो ठीक वैसे ही है, किसी भी साहित्य को पढ़ते समय यदि आप ज्यादा बुद्धि और लॉजिक को लगा देंगे वहां पर, उसको जोड़ डालेंगे, तो फिर उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आचार्य शुक्ल कविता में भाव को वाल्मीकि, भवभूति तथा कालिदास से लाकर जोड़ते हैं। तो उन्होंने भाव को कहां से ग्रहण किया है, भावनात्मक महत्व को, इमोशन को कहां से लिया है उन्होंने, वाल्मीकि से, भवभूति से और कालिदास से, जो संस्कृत के महाकवि हुए हैं। और उसका विस्तार उस भावना को कहां तक लेकर आते हैं, तुलसी और सूर जैसे भक्त कवियों में पाते हैं। तो उनका मानना है कि तुलसीदास और सूरदास में जो भावना है वह उनके प्राचीन जो कवि हुए हैं वाल्मीकि, भवभूति और कालिदास में भी वही भावनाएं विद्यमान है। उनकी दृष्टि में जिस कवि की संवेदना का धरातल जितना व्यापक और विस्तृत होगा वह उतना ही बड़ा कवि होगा। मतलब जो कवि जितना ज्यादा इमोशनल होगा और लोगों की भावनाओं को जितनी गंभीरता से उसको महसूस कर पाएगा, उसकी संवेदना का धरातल जितना व्यापक होगा उतना ही बड़ा कवि होगा। मतलब उसकी संवेदना सिर्फ मानवीय संवेदना नहीं, बल्कि हमारी जो प्रकृति है, पशु पक्षी हैं, जो हमारे इर्द गिर्द जो भी चीजों को देखते हैं, जो जड़ हैं, जो चेतन है, सबके प्रति हमारे मन में संवेदना होनी चाहिए। तो जिस कवि या लेखक के मन में यह संवेदना जितनी गहन होगी वो उतना ही बड़ा राइटर होगा या कवि होगा। इसीलिए आचार्य शुक्ल तुलसी, सूर और जायसी को बड़ा कवि मानते हैं, क्योंकि उनकी संवेदना का विस्तार प्रकृति के चेतन के साथ साथ जड़ तत्वों तक भी होता है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि प्रकृति के साथ मनुष्य का, आगे हम पढ़ें। तो इसीलिए उन्होंने तुलसीदास, सूरदास और मणिक मोहम्मद जायसी, इन तीनों की समीक्षा करके हिंदी साहित्य में एक त्रिवेणी का निर्माण किया है, क्योंकि इनकी संवेदना का जो विस्तार है, इनके इमोशंस और फीलिंग्स का जो विस्तार है, वह केवल चेतन वस्तुओं तक ही नहीं, लोगों तक ही नहीं, प्राणी मात्र तक ही नहीं, बल्कि जड़ वस्तुओं तक भी विस्तृत है। आचार्य शुक्ल कहते हैं कि प्रकृति के साथ मनुष्य का आध्यात्मिक संबंध है और इसके साथ यह संबंध स्थापित करना मनुष्य की पूर्णता के लिए आवश्यक। तो जो हमारी प्रकृति है वह भी हमारे जीवन का हिस्सा है,
उसका भी निर्माण भगवान ने किया है, ईश्वर ने किया है, इसलिए उसका आध्यात्मिक संबंध है। और इसीलिए मनुष्य और प्रकृति के बीच में संबंध स्थापित करना ही मनुष्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है, क्योंकि एक दोनों का चोली दामन का संबंध है। तो अब यहां पर देखते हैं व्यवहारिक आलोचना। और जहां तक आचार्य शुक्ल के व्यवहारिक आलोचना का प्रश्न है, व्यवहारिक आलोचना मतलब जिसमें उन्होंने वास्तव में आलोचना किया है कृतियों का, तो जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, गोस्वामी तुलसीदास और हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका रूप सामने आता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये इनके व्यवहारिक आलोचना, पहले तो इन्होंने मापदंडों का निर्माण कर दिया और उन मापदंडों के आधार पर पैमाने के आधार पर, नाम्स के आधार पर उन्होंने इन ग्रंथों को लिखा और यह उनकी व्यवहारिक आलोचना है। अब आचार्य शुक्ल ने भारतीय संस्कृति के प्राण तत्व, सहिष्णुता और समन्वय के आधार पर जीवन को वृद्धों का सामंजस्य माना है और इसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने रचनाओं की व्याख्या की। तो जो हमारी भारतीय संस्कृति है यह बहुत ही विविधतापूर्ण है, इसमें बहुत सारी विरोधी शक्तियां हैं, बहुत सारे विरोधी संप्रदाय हैं, धर्म हैं, लेकिन इन सबके बावजूद भी हमारे यहाँ एक सहिष्णुता का वातावरण है, समन्वय का वातावरण है और एक राष्ट्र के रूप में हम सफल हैं। तो भारतीय संस्कृति का जो प्राण तत्व है, मूल तत्व क्या है, सहिष्णुता और समन्वय। हम एक दूसरे को लेकर साथ चलते हैं, एक दूसरे के धर्मों का और संप्रदायों का हम बराबर सम्मान करते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, उनके आराध्य का सम्मान करते हैं और इसी के आधार पर हमारा जीवन जो है, जो क्या है, विरुद्धों का सामंजस्य। दुख है तो खुशी है, रात है तो दिन है, तो ये सारी चीजें हैं और इसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने रचनाओं की व्याख्या की। तो मूल तत्व इन्होंने यहां से ग्रहण किया है और इसके आधार पर उन्होंने रचनाओं की व्याख्या की है। साधन और साध्य की पवित्रता के संदर्भ में, जब साधन और साध्य की हम जब बात करते हैं, साधन मतलब किसी काम को करने का कोई साधन, जैसे आपको दिल्ली जाना है तो आप फ्लाइट से जा सकते हैं या फिर बस से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, ये आपका साधन हो गया। और साध्य क्या हो गया, साध्य होता है मतलब लक्ष्य, तो दिल्ली पहुंचना आपका लक्ष्य है, दिल्ली आपका लक्ष्य है और साधन क्या है, आपका बस है, ट्रेन है, कार है, ये आपका हो गया साधन। तो साधन और साध्य की पवित्रता के संदर्भ में साध्य लक्ष्य को महत्व देते हैं। जैसे भगवान राम के द्वारा बाली का जो वध हुआ, तो बाली का वध करना उनका लक्ष्य है कि बाली को मुझे मारना है और सुग्रीव को उसका राजपाट और उसकी पत्नी को वापस लौटाना है, तो यह उनका लक्ष्य है। तो इसके लक्ष्य के लिए साधन क्या है, साधन तो क्या है, उसको मारेंगे सामने में जाकर, लेकिन उनको डायरेक्ट मार नहीं सकते, तो छल करके उन्होंने मारा। तो इस प्रकार साधन और साध्य की पवित्रता की जब बात होती है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है कि वे साध्य लक्ष्य को अधिक महत्व देते हैं, लक्ष्य को ज्यादा महत्व प्रदान करते हैं वे साधन की तुलना में। उनका मानना है कि यदि उचित साधन से उचित साध्य लक्ष्य तक पहुंचना संभव ना हो, तो उसके लिए अनुचित साधन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे यदि आपका लक्ष्य महान है, यदि आपका लक्ष्य उचित है और उस लक्ष्य तक आप उचित साधन के द्वारा नहीं पहुंच पा रहे हैं, तब आप अनुचित साधन का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो यह उनका कहना है। इसकी भी व्याख्या वे तुलसी के संदर्भ में करते हैं। तुलसी के संदर्भ में इस बात की व्याख्या करते हैं कि यदि लक्ष्य उचित है तो साधन उचित हो जरूरी नहीं है, अनुचित साधन के द्वारा भी उचित लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। तुलसी के राम के लिए जब वैध तरीके से भाई सुग्रीव की पत्नी के अपहर्ता बाली का वध संभव नहीं रह जाता, तो राम बाली वध के लिए छल का सहारा लेते हैं और तुलसी राम के स्कृत्य का औचित्य साबित करते हुए लिखते हैं। मतलब आपने रामचरित महाराज में पढ़ा होगा, जब वे आमने सामने वार करके बाली का वध नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने छिप करके बाली का वध किया और इसका औचित्य इसको सही ठहराते हुए तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, अनुज बधु भगनी सुतनारी सुनसठ कन्या समयचारी इनही कुदृष्टि बिलोक ही जोई ताहि बधे कछु पाप न होई। इसका अर्थ क्या है, इसका भावार्थ यह है कि भगवान श्री राम कहते हैं बाली से, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री मतलब छोटे भाई की पत्नी, अपनी खुद की बहन, पुत्र की स्त्री मतलब बहू घर की बहू और कन्या अपनी बेटी, ये चारों एक जैसे होते हैं, इन चारों को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए और इनको जो कोई भी बुरी दृष्टि से देखता है तो उसे मारने में कोई भी पाप नहीं होता। तो जब बाली उसे भगवान राम को कहते हैं कि भाई आपने मुझे छल पूर्वक मारा, तो उनका कहना यही है कि ऐसे में मुझे कोई पाप नहीं लगेगा। आचार्य शुक्ल यह भी लिखते हैं कि क्षमा दया त्याग और तपस्या के जरिए ही लोग अपना मनोहर रूप प्रकट नहीं करता, वरन क्रोध घृणा और ध्वंस के रूप में भी लोक का सौंदर्य व्यक्त होता है। तो इस प्रकार उन्होंने यह माना, जैसे भगवान राम का सौंदर्य है, केवल हम उनके राम के सौंदर्य का वर्णन करें कि उनमें प्रेम है, कृपालु है, दयालु है, इसमें ही उनका सौंदर्य नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर जब वे अपना क्रोधित रूप दिखाते हैं, जो घृणा का भाव व्यक्त करते हैं, ध्वंस का भाव व्यक्त करते हैं,
तब इसमें भी लोक का सौंदर्य परिलक्षित होता है और यही वृद्धों का सामंजस्य होता है। अब आचार्य शुक्ल ने भले ही तुलसी वृद्धों का सामंजस्य मतलब दो विपरीत प्रकार की प्रकृति या भावनाओं का सामंजस्य, इसे बोला जाता है वृद्धों का सामंजस्य। यह बार बार आप सुन रहे हैं तो आप समझ गए होंगे। आचार्य शुक्ल ने भले ही तुलसी को सबसे बड़ा कवि माना हो, क्योंकि तुलसी के राम का जन्म जग के मंगल के लिए हुआ है। तुलसीदास को सर्वश्रेष्ठ कवि मानते हैं, और क्यों मानते हैं? क्योंकि तुलसीदास के जो राम है उनका जो जन्म हुआ है लोगों का कल्याण करने के लिए हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी वे जायसी और सुर को वे तुलसी की पात में बिठाकर हिंदी साहित्य की त्रिवेणी का निर्माण करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने तुलसीदास के साथ साथ मलिक मोहम्मद जायसी और सूरदास को भी पर्याप्त महत्व दिया है उन्हें, और इन तीनों को एक साथ मिलाते हुए उन्होंने हिंदी साहित्य की त्रिवेणी का निर्माण किया है। मतलब तीन बड़े कवि घोषित किया है इनको। यद्यपि उन्हें रहस्यवाद विरोधी आलोचक के रूप में जाना जाता है, लेकिन जायसी के रहस्यवाद का प्रश्न आता है तो वह उसकी जीवन जगत सापेक्षता के कारण सुंदर अद्वैती रमणीय रहस्यवाद कहकर उसकी प्रशंसा करते हैं। तो रहस्यवाद क्या है? रोमांटिसिज्म क्या होता है? जो अमूर्त है, अमूर्त सत्ता के प्रति, जो अव्यक्त है, जो अमूर्त है, उसके जो हमको दिखाई नहीं देता, उसके प्रति जब कोई कवि अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है तो उसे रहस्यवाद कहते हैं। हिंदी साहित्य में इसे छायावाद भी आगे कहा जाता है। तो वे रहस्यवाद के विरोधी आलोचक माना जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। लेकिन इसके बावजूद भी जब जायसी मलिक मोहम्मद जायसी सूफी कवि हुए हैं, और सूफी कवि क्या कहते हैं? सूफी कवि अपने आप को नायिका के रूप में मानकर जो भगवान है, परम पुरुष है, उसके प्रति अपनी प्रेम भावना के अभिव्यक्त करते हैं। तो इनके में क्या रहस्यवाद होता है? सूफी कवियों में रहस्यवाद होता है। तो जब जो जायसी का रहस्यवाद है उसका संबंध सांसारिक जगत से भी है, जीवन सापेक्ष है, इसीलिए उनकी जो रहस्यवाद है उसको पर्याप्त महत्व देते हैं, और उसको क्या कहते हैं? अद्वैती, अद्वैत है, इसमें कोई द्वैत नहीं है आत्मा परमात्मा के बीच, रमणीय है, रमणीय मतलब बहुत ही सुंदर है और रहस्यवाद है, ऐसा कहकर प्रशंसा करते हैं। और जो नागमती की विरह वेदना, नागमती विरह आपने पढ़ा होगा, नागमती तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है, नागमती विरह की वेदना उसका दुख, जब राजमहल की चहार दीवारी से बाहर निकलकर उसकी पार्थिव सत्ता को अतिक्रमित करते हुए प्रकृति के कण कण को अपनी व्याप्ति में समाहित कर लेती है, तो उन्हें जायसी का विरह वर्णन अद्वितीय प्रतीत होता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने जो नागमती का विरह वर्णन किया है, जो अपने पति के वियोग में जब उनको याद करते हुए जब उनका जो दुख है वह प्रकृति के कण कण में व्याप्त हो जाता है, उसके दुख से प्रकृति भी दुखी हो जाती है। तो इस प्रकार उन्होंने विरह वर्णन जो है नागमती की विरह वेदना को और मलिक मोहम्मद जायसी के विरह वर्णन को अद्वितीय कहा है। तो इस प्रकार उन्होंने पर्याप्त महत्व दिया है। जब आचार्य शुक्ल सूरदास की चर्चा कर रहे होते हैं तो वे यह स्वीकार करते हैं कि सूर अपने भाव में रमे रहने वाले कवि हैं, चारों ओर की परिस्थितियों से उनका कोई संबंध नहीं रह जाता। तो सूरदास जी क्या है, जैसे भजन गाते हैं उस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है, तो कुल मिलाकर वो भगवान की सत्ता में लीन हो जाता है उनका व्यक्तित्व। तो जब सूरदास जी कुछ कविता लिखते हैं, गाते हैं, तो उनको अपनी सत्ता का आभास नहीं रहता, वे अपने भावों में रमे रहते हैं। तो चारों ओर क्या परिस्थितियां हैं, कैसा वातावरण है, उससे उनका कोई संबंध नहीं रह जाता, वे अलग ही दुनिया में चले जाते हैं। इसीलिए वे कहते हैं सूर का वैशिष्ट्य, सूर की विशेषता उनसे अलक्षित नहीं रह पाता। अलक्षित नहीं रह पाता मतलब नहीं देख पाते, ऐसी बात नहीं। वे सूरदास की भी उन्होंने जो कविता की खूबसूरती का वर्णन किया है काव्य का, सूर का विषय क्षेत्र भले ही परिमित हो, मतलब सूरदास जी का जो विषय क्षेत्र है कविता का जो विषय है वह लिमिटेड है, सीमित है, लेकिन जिन क्षेत्रों को सूर ने छुआ है वे अद्वितीय है। इसके बावजूद भी सूरदास जी ने जिन क्षेत्रों का लिखा है वह अद्वितीय है। इसीलिए उन्होंने लिखा है कि सूरदास जी अपनी बंद आंखों से भी जीवन का कोना कोना झांक आए हैं। भले ही सूरदास जी को दिखता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जो वात्सल्य वर्णन किया है वह आज भी हिंदी साहित्य में अद्वितीय है, उस स्तर पर कोई पहुंच नहीं पाया है। तो उन्होंने की तुलना करते हैं। अब बिहारी की कविता, पहले बता चुका हूं कि बिहारी और कबीर के साथ इन्होंने न्याय नहीं कर पाया, क्योंकि बिहारी और कबीर जो है मुक्तक काव्य लिखते हैं, दो दो पंक्तियों में लिखते हैं, छोटी छोटी कविताएं लिखते हैं, और वे आपस में संबंधित भी नहीं होते, ये मुक्तक लिखने वाले हैं। तो बिहारी की कविता में उन्हें हृदय की आंतरिकता का भाव दिखता है, तो उसके मूल में उनकी सामंत विरोधी चेतना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो चेतना है सामंत विरोधी है, जैसे मार्क्सवाद में जो होता है जो शोषक है उनके प्रति विरोध की भावना होती है, उसी प्रकार जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी क्या है, सामंत विरोधी है। और उनको बिहारी की कविता को पढ़कर ऐसा लगता है कि वो सामंतवाद का समर्थन कर रहे हैं, सामंतों को खुश करने के लिए उन्होंने कविता लिखी है। इसीलिए उनके उनकी कविता में क्या है, भावनाओं के का अभाव है, कोई सी आंतरिकता, कोई गहनता, गंभीरता दिखाई नहीं देती। वे बिहारी की रचनाओं को भाव सौंदर्य की कसौटी पर कसते हुए उसमें आंतरिकता की तलाश करते हैं, और जब बिहारी के यहाँ या उन्हें नहीं मिलता तो बिहारी की आलोचना करने में भी वह तनिक नहीं हिचकिचाते।
तो बिहारी की आलोचना करते समय क्या है, उनको लगता है कि इनकी भावनाएं बहुत गहरी नहीं है, लोगों के दिल को छूने वाली भावनाएं नहीं है, बल्कि सामंतवाद की पोषक भावनाएं हैं, इसलिए वे उनकी कविता को पसंद नहीं करते, उसकी आलोचना करते हैं। लेकिन जैसे ही घनानंद का जब वो करते हैं, घनानंद के नेतृत्व वाली रीति मुक्त काव्यधारा में यह आंतरिकता उन्हें मिलती है, उनकी खुलकर प्रशंसा करते हैं। तो घनानंद के काव्य में उनको यह भावना या गंभीरता या इमोशंस उनको यहाँ पर दिखाई देता है, इसलिए उसकी प्रशंसा करते हैं। तो रीति मुक्त, रीति सिद्ध कविता, रीतिबद्ध कविता जब आप पढ़ेंगे तो आप अच्छे समझ पाएंगे। मेरा क्या है, लेक्चर लंबा हो जाएगा तो ज्यादा चीजों की मैं यहाँ पर व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। यह युगीन जीवन का ही यथार्थ है, जिसके साथ जुड़ाव के कारण भारतेंदु युगीन और द्विवेदी युगीन रचनाकारों की प्रशंसा करते हैं। तो भारतेंदु युग की जो रचना है या फिर द्विवेदी युग की जो रचना है, जीवन से जुड़ी हुई है, लोक सापेक्ष है, लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है, इसलिए इसकी प्रशंसा करते हैं। और इससे परे होने के कारण जो सिद्धों और नाथों की जो रचनाएं हैं या रहस्यवाद है, छायावाद है, इसकी आलोचना करने से परहेज नहीं करते। सिद्ध क्या है, 84 जो सिद्ध हुए हैं अपने मेरा में रहते थे, नाथ अपने मेरा में रहते थे, कोई मतलब नहीं दुनियादारी से, लोक कल्याण की कोई भावना से मतलब नहीं, अपने मस्त रहते थे वो। वैसे ही रहस्यवादी जो कवि हुए हैं वो अपने में खोए खोए रहते थे, व्यक्तिवादी कविता है, सिर्फ अमूर्त सत्ता, अमूर्त परम सत्ता के प्रति अपना प्रेम की अभिव्यक्ति करना, उसका वर्णन करना। छायावाद भी लगभग वैसी लगती है, व्यक्तिवादी कविता है, मैं अपनी भावनाओं को वर्णन करना, मतलब कला कला के लिए कि मुझे कविता लिखना है तो मैं कविता लिखूंगा, दूसरों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है, इन्हीं कारण इनका समर्थन नहीं करते, इनका विरोध करते हैं। अब डॉक्टर रामविलास शर्मा, इनका क्या मानना है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने आचार्य शुक्ल की रहस्यवादी विरोधी दृष्टि की व्याख्या करते हुए इसे साम्राज्य विरोधी दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में किए। अब डॉक्टर रामविलास शर्मा मार्क्सवादी आलोचक हैं, तो जैसे रहस्यवाद का विरोध क्यों किया आचार्य शुक्ल ने इनके हिसाब से, क्योंकि वे साम्राज्यवाद का भी विरोध करते थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रहस्यवादी विरोधी दृष्टि की व्याख्या उनके साम्राज्यवाद विरोधी दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी साम्राज्यवाद का, सामंतवाद का विरोध करते हैं, इसीलिए उन्होंने रहस्यवाद का भी विरोध किया, क्योंकि उन्हें लगा कि जो रहस्यवाद है वह सामंतवाद अथवा साम्राज्यवाद से जुड़ा हुआ है। यह मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। आचार्य शुक्ल की ही तरह कई आलोचकों ने छायावादी कल्पनाशीलता की आलोचना की। तो जैसे आचार्य शुक्ल बोलते हैं कि छायावादी कविता बहुत ज्यादा काल्पनिक कविता है, ऐसे अन्य आलोचक ने भी उनकी आलोचना की छायावाद की। इसका कारण यह है कि कल्पनाशीलता मनुष्य को जीवन जगत के यथार्थ से दूर करती हुई काल्पनिक लोक में ले जाती है। तो कुछ आलोचकों ने छायावाद का विरोध किया, जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी शामिल हैं, क्योंकि इनका मानना है कि छायावाद क्या है, हमको कल्पना की दुनिया में ले जाती है, मतलब जीवन की जो कड़वी सच्चाई है, जो जीवन का जो यथार्थ है, जो वास्तव में जो कड़वा यथार्थ है, उसको उससे हमको दूर ले जाता है, कल्पना की दुनिया में ले जाता है, हम दुनिया से कट जाते हैं, काल्पनिक लोक में चले जाते हैं, इसलिए उन्होंने वे छायावाद का विरोध करते हैं कि जीवन से जुड़ी हुई कविता नहीं है। लेकिन आगे चलकर अनेक आलोचक छायावाद की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं। लेकिन बाद के जो आलोचक कुछ हुए हैं उन्होंने छायावाद की प्रशंसा की है, छायावाद को स्थापित करने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लेकिन इसका कारण यह है कि शुक्ल जी की तरह वे कल्पना को वायवी, वायवी मतलब वायु संबंधी अथवा असंभव मानते हैं, नहीं मानते, वरन उसे जीवन जगत सापेक्ष और यथार्थ पर आधारित मानते हैं। तो जो आलोचक छायावाद की प्रशंसा करते हैं तो वे इसलिए प्रशंसा करते हैं कि जो छायावाद की जो कविताएं हैं वे भी हमारे जीवन जगत से जुड़ी हुई है और उसमें उसके द्वारा भी लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। तो वो आलोचक छायावाद की प्रशंसा करते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या मानना है, यह कल्पना की दुनिया में लेकर चली जाती है, असंभव चीजों की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करती है। अब आचार्य शुक्ल की मैं पूरी आइडियोलॉजी बता रहा हूं कि कितने मानदंड उन्होंने बनाया और उन मापदंडों, मानदंडों अथवा पैमाना अथवा नाम्स के आधार पर उन्होंने कैसी आलोचना की, क्या क्या मानदंड उन्होंने निर्मित किया है, उसका दृष्टिकोण क्या है। तो पूरी चीजों को समझना, अपने उत्तर में लिखना बहुत जरूरी है। और ये जो आलोचनात्मक शब्दों को यदि आप समझ जाते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो अवधारणात्मक शब्द दिए हैं, जो पारिभाषिक शब्द दिए हैं हिंदी आलोचना को, यदि आप उसको समझ जाते हैं तभी आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि को समझ सकते हैं। मैं बराबर आपको बता रहा हूं कि अलग अलग प्रकार की चीजों के प्रति उन्होंने अलग अलग प्रकार के जो रीतिवाद है, जो भाषा है, इन सब चीजों के प्रति उन्होंने क्या विचार व्यक्त किया। आचार्य शुक्ल पर रीतिवादी धारा का भी प्रभाव है। जब वे सूर के भ्रमर गीत सार की आलोचनात्मक समीक्षा कर रहे होते हैं तो उनकी नजर उनके काव्यगत सौंदर्य पर भी जाती है और इसी क्रम में भ्रमर गीत सार की भाषा प्रतीक, बिंब, रस, अलंकार आदि काव्यांगों के विभिन्न पक्षों का पर विचार करते हैं। तो आचार्य जो सूरदास जी का जो भ्रमर गीत सार है
इसमें उन्होंने भारतीय काव्य शास्त्र के बहुत सारे उसका उल्लेख किया हुआ है। यहाँ पर भाषा का प्रतीक का बिंब रस और काव्यांग विवेचन उन्होंने इसमें किया हुआ है, काव्य के जो विभिन्न अंग होते हैं। तो इस प्रकार जब उनके काव्य का सौंदर्य मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूरदास के भ्रमर गीत सार के काव्य सौंदर्य का उल्लेख भी करते हैं, और इसके साथ ही साथ उसमें उन्होंने किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, किस प्रकार का प्रतीक का प्रयोग किया है, किस प्रकार के बिंब का प्रयोग किया है, रस छंद अलंकार, इन सभी की व्याख्या करते हुए चलते हैं, इन सब की आलोचना करते हुए भी चलते हैं। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह मानना है कि कविता में अर्थ ग्रहण ही पर्याप्त नहीं होता, बिंब ग्रहण भी अपेक्षित होता है, और ऐसा कहते हुए उन्होंने बिंब को भी अधिक महत्व दिया है। तो बिंब मतलब होता है इमेज, किसी कविता को पढ़कर हमारे दिमाग में जो इमेज निर्मित होता है, जैसे आप राम की शक्ति पूजा को जब अध्ययन करते हैं, उस कविता का पाठ करते हैं, तो भगवान राम का जो इमेज बनता है आपके दिमाग में, जो बिंब बनता है कि वे पराजय बोध से ग्रसित हैं, रावण के ऊपर वो सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके मन में जो निराशा है, जो हताशा है, भगवान राम जो निराश और हताश बैठे हुए हैं, तो उनका जो इमेज है, जो बिंब है, वो आपके दिमाग में उभर कर आता है, उनका चित्र उभर कर आता है, इसे कहते हैं बिंब। तो किसी कविता को हम पढ़कर सिर्फ उसका अर्थ ग्रहण न करें कि हम उस कविता को समझ गए, बल्कि हमारे मन में उस कविता को पढ़कर एक इमेज बनना चाहिए, बिंब भी बनना चाहिए, तो बिंब भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। काव्य में स्पष्टता को अधिक महत्व देने के कारण ही उन्हें प्रतीकात्मकता और रहस्यात्मकता से प्रवेश होता है। तो उनका कहना है कि कविता बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, एक साधारण सा पाठक भी कविता को पढ़े और उसको पढ़कर समझ जाए। अब प्रतीक कविता में आप प्रतीकों का प्रयोग किया है, जैसे कबीरदास जी करते हैं प्रतीकों का प्रयोग, आम आदमी उसका समझ ही नहीं सकता जब तक कोई ना समझाए। और रहस्यात्मकता, जैसे महादेवी वर्मा जी की रहस्यात्मकता है, पता नहीं वो किसको एड्रेस करके कविता लिख रही है, जो परमपिता परमेश्वर है, जो अव्यक्त प्रेमी है, जो अमूर्त है, तो इससे वे परहेज करते हैं, इसको पसंद नहीं करते आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये मेरे ओपिनियन नहीं है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की विचारधारा को मैं बता रहा हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि क्या है, इसमें मेरी आलोचना दृष्टि शामिल नहीं है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा। उन्होंने अलंकारों को कविता में वांछनीय तो माना, पर इसकी सीमा का संकेत देते हुए यह भी कहा कि अलंकार काव्य सौंदर्य का उत्प्रेरक तो हो सकता है पर सर्जक नहीं। तो उनका मानना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कि अलंकार काव्य के लिए जरूरी तो है, मतलब किसी काव्य की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए अलंकार बहुत जरूरी, मतलब ठीक है अलंकार का प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन अलंकार ही काव्य के लिए सब कुछ नहीं है, अलंकार के माध्यम से सिर्फ काव्य की सुंदरता में वृद्धि हो सकती है। जैसे कोई महिला है, अब यदि वो महिला कोई अलंकार धारण नहीं करती, कुछ कुछ भी मतलब उसने गहना या आभूषण नहीं पहना हुआ, तो हम यही नहीं कह देंगे कि वह स्त्री सुंदर नहीं है। हाँ जरूर यह बात है कि यदि वह आभूषण धारण कर लेती है, कोई गहने वगैरह जेवर वगैरह पहन लेती है, जेवरात धारण कर लेती है, तो थोड़ी और खूबसूरत दिख सकती है, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे कि यदि ज्वेलरी नहीं पहनेगी तो सुंदर नहीं दिखेगी। ठीक वैसे ही है, तो अलंकार ठीक है किसी महिला के लिए जरूरी है, आभूषण जरूरी होता है तो पहनना भी चाहिए, लेकिन बिना आभूषण के खराब दिखेगी, क्रूप दिखेगी, ऐसी भी बात नहीं। तो यही इसी तरह वे कहते हैं कि ठीक है अलंकार कविता के लिए वांछनीय है, अलंकारों का प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा है, और यदि ना भी किया जाए तो कोई बात नहीं है। तो अलंकार के माध्यम से काव्य में सौंदर्य की वृद्धि तो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि बिना अलंकार के किसी काव्य को लिखा ही नहीं जा सकता। काव्य भाषा, काव्य भाषा के संबंध में विचार करते हुए कहते हैं उन्होंने नाद सौंदर्य पर बल दिया। नाद सौंदर्य मतलब कविता को पढ़ने पर जो हमारे मन में नाद होता है, जो गूंज उठती है, जैसे कि हम उसको पढ़ते हैं, जैसे बरसात के दिनों में आला आलाखंड, जगनी का आलाखंड आपने पढ़ा होगा, तो जो आला को बरसात के दिन में जाते हैं जो हमको अनुभूति होती है, जैसे 12 बरस ले छतरी जिए और तेरा, 12 बरस ले कुकर जिए और तेरा ले जिए सियार, है ना, बरस 18 छतरी जिए आगे जीवन को अधिकार। तो आला को जब हम पढ़ते हैं खटखट खटखट तेगा बोले बाजे खटक खटक तलवार, तो काव्य भाषा मतलब हमको पढ़ने पर हमको एक मतलब उसमें फीलिंग्स उत्पन्न होना चाहिए, नाद सौंदर्य, जैसे पानी बरस रहा है, जैसे टिप टिप बरसा पानी करके कोई गाना है उसको आप सुनेंगे तो बारिश का बोध होता है कि हाँ बारिश हो रही है भाई, तो इसे नाद सौंदर्य बोलते हैं। जैसे एक बांग्ला में भी एक कविता है बृष्टि परे करके, मेरे को याद नहीं आ रही वो कविता, तो मतलब नाद सौंदर्य मतलब नाद गूंज उठना चाहिए, तो नाद सौंदर्य पर उन्होंने बल दिया है। और नाम बोधा शब्द, जैसे बृष्टि परे टापुर टुपुर, जैसे बांग्ला में मुझे एग्जैक्ट नहीं आता, बांग्ला में बोलते हैं बृष्टि परे टापुर टुपुर, मतलब रिमझिम बारिश हो रही है टप टप, तो ये नाद सौंदर्य है कविता का। और नाम बोधक मतलब कविता काव्य भाषा में नाद सौंदर्य गूंज को उन्होंने बल दिया है। नाम बोधक शब्दों का प्रयोग करने के बजाय गुण बोधक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए,
जैसे नाम हम डायरेक्ट नहीं देते हैं, राम कृष्ण बोलते हैं, नहीं ऐसा मत लिखिए, बल्कि ऐसे लिखिए इनके गुण का बोध कराने वाले शब्द लिखिए। जैसे भगवान राम को हम बोलते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण को बोलते हैं मुरलीधर, वंशीधर वगैरह बोलते हैं, तो ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। और पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग से परहेज की सलाह दी, पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कविता में हम पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग करेंगे काव्य भाषा में तो आम जनता समझ ही नहीं पाएगी। इसके बाद आचार्य शुक्ल रीतिवाद विरोधी मानसिकता के कारण उक्ति वैचित्र और काव्य चमत्कार का विरोध करते हैं। लेकिन इन्होंने रीतिवाद का विरोध किया है, कुछ जगह इन्होंने थोड़ा बहुत तारीफ भले कर दिया लेकिन रीतिवाद का इन्होंने विरोध किया है। इसके कारण इन्होंने उक्ति वैचित्र, उक्ति वैचित्र मतलब विचित्र विचित्र बात, और काव्य चमत्कार का विरोध करते हैं। काव्य में चमत्कार पैदा करना, उल्टा पुल्टा कोई भी बोलकर, उक्ति वैचित्र मतलब ऐसी बात बोल देना कि संभव ही ना हो पाए। जैसे हनुमान के पूछ में लगन न पाई आग, है ना, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब हनुमान जी के पूछ में आग ही नहीं लग पाई थी कि सारे निशाचर भी भाग गए और लंका भी जल गई, तो इसको बोलते हैं उक्ति वैचित्र, काव्य का चमत्कार, इसका विरोध करते हैं वो। और लक्षण और व्यंजना की जगह अभिधा को महत्व देते हैं क्योंकि यह रस सृष्टि में सहायक है। तो काव्य भाषा में क्या है, तीन शब्द शक्तियां होती हैं, अभिधा लक्षण और व्यंजना। तो लक्षण और व्यंजन में क्या है, हमको अंदर घुसकर समझना पड़ता है, और अभिधा में क्या है, डायरेक्ट हम मीनिंग समझ जाते हैं। तो अभिधा को ज्यादा महत्व देते हैं क्योंकि अभिधा मतलब डायरेक्ट पाठक उसको पढ़ता है, उसको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुरंत पढ़ के समझ जाता है, रस ग्रहण कर लेता है। लेकिन जहां यह उक्ति वैचित्र भाव से प्रेरित होकर आता है, यहां उसकी प्रशंसा करने से भी उन्हें परहेज नहीं करते। लेकिन कभी कभी क्या है, उक्ति वैचित्र है, विचित्र टाइप की जो बातें हैं काव्य भाषा में, वे क्या है, भावना को बढ़ा, भावना के माध्यम से आते हैं, भावना की अभिव्यक्त करने के लिए वे आते हैं, तो उसकी प्रशंसा करते हैं। जैसे भ्रमर गीत सार में गोपियों की उक्ति के बांकपन को भाव प्रेरित वचन वक्रता की संज्ञा देकर उसकी प्रशंसा किया जाता है। भ्रमर गीत सार में जो गोपियां जो बोलती हैं भगवान कृष्ण को उलाहना देती हैं या फिर उसको उद्धव को, तो इनका जो बोलने का जो शैली है, जो स्टाइल है, जो व्यंग मारने की जो शैली है, इसको क्या कहते हैं, भाव प्रेरित, भावना से प्रेरित होकर वचन वक्रता, व्यंग करना, भावना से प्रेरित होकर व्यंग, व्यंग्यात्मक शब्दों का प्रयोग करना, इस प्रकार बोलकर उन्होंने उसकी प्रशंसा किया है। अब रीतिवादी आलोचकों से शुक्ल जी की भिन्नता यह है कि जहां काव्यांग विवेचन रीतिवादी आलोचकों के लिए साध्य लक्ष्य है, रीतिवादी जो आलोचक होते हैं वे क्या करते हैं, काव्यांग का विवेचन करते हैं, काव्य के अलग अलग जो होते हैं रस, छंद, अलंकार, इन सब चीजों का, तो उनका, उनकी व्याख्या करना उनका मुख्य उद्देश्य होता है, उनकी आलोचना करना। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसका इस्तेमाल एक साधन या सहायक के रूप में करते हुए रचना के काव्यगत सौंदर्य का उद्घाटन करते हैं, इसकी भाषा कैसी है, कैसी है, शैली कैसी है, भाव पक्ष कैसे है, कला पक्ष कैसे है, इनका उद्घाटन करना चाहते हैं, तो रस, छंद, अलंकार, इन सब चीजों में उलझे रहना पसंद नहीं करते आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अब शुक्ल जी को इस बात का श्रेय जाता है। अब शुक्ल जी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, अब हम यहाँ पर अंतिम स्थिति में पहुंच चुके हैं कि निष्कर्ष, एक आलोचक के रूप में, एक समालोचक के रूप में, एक समीक्षक के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है। शुक्ल जी को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने साहित्य की सामाजिक स्वदेश्यता की बात करते हुए हिंदी की अपनी ठेठ आलोचना शैली का विकास किया और भक्ति आंदोलन, भक्त कवि और भक्ति काव्य को हिंदी आलोचना के केंद्र में लाकर स्थित कर दिया, और फिर इसके अनुरूप उन्होंने पूरी की पूरी साहित्यिक परंपरा की पुनर्व्याख्या की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है हिंदी आलोचना में, तो उसमें सबसे पहला श्रेय इस बात के लिए है कि उन्होंने साहित्य का सामाजिक उद्देश्य क्या है, कि समाज, वास्तव में समाज के लिए साहित्य में समाज के प्रति कोई उद्देश्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसका उन्होंने, इसको निर्धारित करते हुए उन्होंने हिंदी की एक आलोचना शैली, विशिष्ट आलोचना शैली का निर्माण किया है, कि साहित्य का उद्देश्य होना चाहिए कि इससे लोक का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, और इसी के कारण उन्होंने जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन वास्तव में भारत का एक जन आंदोलन था जिसने लोगों के कल्याण में अपना सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था, इसलिए जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काव्य को हिंदी साहित्य, भक्ति जो काव्य हिंदी, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन। आचार्य श्याम सुंदर दास ने भी यही कहा कि भक्ति जो काव्य है वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण काव्य है या स्वर्ण युग है। तो इसको हिंदी आलोचना के केंद्र में लाने का सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है, और इसी के आधार पर उन्होंने भारत की पूरी साहित्यिक परंपरा की व्याख्या की है कि साहित्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए। दूसरी बात उनकी दृष्टि में कविता के दो ही पक्ष हो सकते हैं, उनके आधार पर कविता सिर्फ दो ही प्रकार की हो सकती है, कविता के केवल दो ही पक्ष होते हैं, सुंदर और असुंदर, कविता या तो सुंदर होगी और असुंदर होगी, बाकी जो चीजें हैं कि कविता शुभ और अशुभ, मंगल और अमंगल, पाप और पुण्य, उपयोगी और अनुपयोगी,
आदि का संबंध साहित्येतर प्रतिमानों से, मतलब किसी कविता की आलोचना सिर्फ दो चीजों को ध्यान में रखकर की जाना चाहिए कि कविता या तो सुंदर होगी या फिर असुंदर होगी, और ये बाकी जो नॉर्म से जो प्रतिमान है इनका संबंध साहित्य के प्रतिमानों से नहीं है। मतलब कविता शुभ है कि अशुभ, मंगल का निर्माण करे क्या मंगल, पाप है कि पुण्य है, उसमें उपयोगी है कि अनुपयोगी है, यह साहित्येतर प्रतिमान नहीं है। मतलब साहित्य से हटकर प्रतिमान है, साहित्य के साहित्य से इनका संबंध नहीं है ये कहना। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। अब देखिए हम उनकी समीक्षा कर रहे हैं, आचार्य रामचंद्र की समीक्षा कर रहे हैं, यहां पर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना कर रहे हैं कि आचार्य शुक्ल के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब भी हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास की बात होती है तो आचार्य शुक्ल को केंद्र में रखते हुए उसे शुक्ल पूर्व, शुक्ल युगीन और शुक्लोत्तर आलोचना के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो जब हम हिंदी आलोचना पढ़ते हैं तब हम हिंदी आलोचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को केंद्र में रखकर हिंदी आलोचना के उद्भव और विकास को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, आचार्य शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। तो कितने महान हस्तियां आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आलोचक आचार्य शुक्ल की आलोचना पद्धति दोषमुक्त थी। इसके बावजूद भी हम यह नहीं कह सकते कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो आलोचना है उनकी जो आलोचना पद्धति है उसमें कोई दोष नहीं है, कोई कमी नहीं है। वे अब उनके दोष देखते हैं क्या क्या दोष है। तुलसी के लोक मंगलवाद का मोह, प्रबंधात्मा के प्रति अतिशय आग्रह, साहित्य की जीवन जगत सापेक्षता पर जोर और शुक्ल जी का शिक्षित अभिजात संस्कार उनकी आलोचना की महत्वपूर्ण सीमा बन जाती है, जिसके कारण आचार्य शुक्ल न तो सिद्धों और नाथों एवं कबीर के साथ न्याय कर पाते हैं और न ही रहस्यवाद एवं छायावाद के साथ। तो अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल में तुलसीदास के प्रति बहुत ज्यादा मोह है, लोकवाद लोक मंगल के प्रति बहुत ज्यादा मोह है, प्रबंध काव्य को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, मुक्तक काव्य को उन्होंने ज्यादा महत्व नहीं दिया है, और साहित्य क्या है जीवन जगत सापेक्ष होना चाहिए, और वे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, हाईली क्वालिफाइड थे, बहुत ही पढ़े थे, बहुत सारी किताबों को उन्होंने पढ़ा था, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र, संस्कृत और कितनी सारी भाषाओं का उन्होंने अध्ययन किया था साहित्य का। तो यही उनकी सीमा बन जाती है, क्योंकि इसके कारण उनकी एक आलोचना जो दृष्टि होती है वो एक ऐसे दृष्टि का निर्माण हो जाता है उनके मन में कि जिसके कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल न तो सिद्धों के साहित्य को महत्व दे पाते हैं, न नाथों के साहित्य को महत्व दे पाते हैं, न कबीर के साथ न्याय कर पाते हैं और ना ही बिहारी के साथ न्याय कर पाते हैं, और ना ही रहस्यवाद को महत्व दे पाते हैं और ना ही छायावाद के महत्व को स्वीकार कर पाते हैं। तो यह उनकी आलोचना की कमी है, यह उनकी आलोचना की सीमा है। अब मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में भारतीयता और अभारतीयता के संश्लेष अथवा मेल की ओर संकेत करने के बावजूद आचार्य शुक्ल ने उनकी प्रेम पद्धति को अभारतीय करार देने की भूल की। तो मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य में जो रहस्यवाद है, क्योंकि वे सूफी कवि हैं, मुसलमान कवि हैं, सूफी कवि हैं, तो सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में क्या है, भारतीयता और भारतीय दोनों के तत्व विद्यमान है। तो इनका उन्होंने मेल तो कर दिया, समन्वय तो कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो प्रेम पद्धति है, प्रेम को अभिव्यक्त करने की जो शैली है, उसका कहते हैं कि यह पूरी तरह से भारतीय नहीं है बल्कि बाहर से आयातित है, कहीं बाहर से वे इस पद्धति को लेकर आए हैं रहस्यवाद को, यह उनका कहना है, बहुत बड़ी भूल है। इसके साथ ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल की एक और सीमा है, एक और कमी है कि आचार्य शुक्ल की आलोचना में समकालीन साहित्य के प्रति भी एक प्रकार की तटस्थता भी परिलक्षित होती है। तो उनके समय में जो अन्य राइटर थे जो उनके आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समय में लिख रहे थे, जैसे मुंशी प्रेमचंद है, तो मुंशी प्रेमचंद की इन्होंने उपेक्षा कर दी और न ही प्रगतिवाद उनकी आलोचना के दायरे से बाहर जा पाता। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मुंशी प्रेमचंद के ऊपर कोई बहुत बड़ी बात नहीं की, उनकी ज्यादा उपेक्षा नहीं की, मतलब उनकी ज्यादा आलोचना नहीं की, ज्यादा ध्यान नहीं दिया मुंशी प्रेमचंद के ऊपर, और प्रगतिवाद पर भी उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया और प्रगतिवाद उनकी आलोचना से बाहर है। तो इस प्रकार अपने समकालीन जो साहित्य है, उनके समय में जो बड़े बड़े साहित्यकार हुए, जो विभिन्न प्रकार के आंदोलन चल रहे थे प्रगतिवाद वगैरह, उस पर उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, उनकी आलोचना नहीं की, समीक्षा नहीं की। तो ये उनकी सीमाएं हैं। तो इस प्रकार हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना दृष्टि को समझने का प्रयास किया, भले ही थोड़ा ज्यादा वक्त लग गया लेकिन आप लोगों ने इसे बड़ी बातें समझ लिया होगा। आज का मेरा यह एपिसोड अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के जरूर बताएं, साथ ही यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें, और बाकी हिंदी आलोचना के उद्भव विकास और काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था, जो मेरे दो लेक्चर्स हैं जो छात्रों के बीच में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर जाकर जरूर देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।